के लिए 10,000, 100 लीड के लिए 1 लाख, 10 लाख एवरेज आपने पे करा, राइट। जीएसटी वीएसटी अलग रहेगा तो वो अलग, ठीक है। तो आपके पास जो डेटा की वैल्यू है वो 10 लाख का है, अभी इसकी कॉस्ट हमको कम करनी है। ये 10 लाख अगर आप फेसबुक के ऊपर स्पेंड करोगे तो आपको हजारों लीड मिलेंगे, 5, 10, 20 हजार लीड्स मिलेगी। तो अभी करना क्या है, जो 1K का डेटा है ना, ये आपको, वेलकम टू द वीडियो, माय नेम इज पवन राजपूत, और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हाउ टू सेल हाई टिकट प्रोजेक्ट्स, जो आपके रियल एस्टेट के हाई टिकट प्रोजेक्ट्स है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपका प्रोजेक्ट 5 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, या फिर 1 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, कितना भी बड़ा रहने दो, वो प्रोजेक्ट्स कैसे सेल करने हैं वो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि फेसबुक एड्स इन बड़े हाई टिकट्स प्रोजेक्ट के लिए चलाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो कौन से ऐड चलानी चाहिए, देख कौन से एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स जो आपको ट्राई करके देखने चाहिए, और ओवरऑल मैं आपको इस वीडियो में एक स्ट्रेटजी भी देने वाला हूँ, जो स्ट्रेटजी का आपको काफ़ी यूजफुल रहेगा इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लीड जनरेट करने में। सो अगर आप सोच रहे हैं आपके पास कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है, या फिर आप लेना चाहते हैं, या फिर आप एज ए फ्रीलांसर, या फिर एक खुद डेवलपर है, एंड यू आर थिंकिंग टू डू ऑनलाइन मार्केटिंग, सो बेसिकली आपके लिए एक अच्छा वाला प्लान, स्ट्रेटेजी प्लान होने वाला है ये वीडियो। सो एट द एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए, बहुत कुछ बीच में बोनस पॉइंट और कुछ ऐसे अच्छे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको इस पूरे फ्लो में, स्ट्रेटेजी में आपको श्योरली हेल्प करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, यहाँ पर जो आपका टिकट साइज है प्रोजेक्ट का, वो मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ 10 CR, ठीक है, 10 करोड़ डॉलर में बोलूँ, 1,50,000 डॉलर समथिंग अराउंड, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्ट का टिकट साइज है, और आपको अभी इसकी क्या, इसकी पूरा स्ट्रेटेजी प्लान दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, आप अगर मेरे अदर रियल एस्टेट मार्केटिंग जो मेरे प्लेलिस्ट है या फिर वीडियोज है, अगर आपने देखे होंगे तो अच्छी बात है, उसमें मैं काफ़ी प्लान, स्ट्रेटजी, फनल, ये सब चीज़ें उसमें डिस्कस करता हूँ, उसमें आपको सिखाता हूँ, उसमें आपको बताता हूँ। तो आप जरूर वो वीडियो को देखते जाना, श्योरली दोज वीडियो भी श्योरली है। ओके, तो उसमें मैंने बताया था प्लान विन कैसे क्रिएट करना, वो सब चीज़ें। तो एक छोटा सा वही का पार्ट लेकर के आपको बता रहा हूँ इसमें, कि जो टारगेट ऑडियंस है वो हमको स्टेप नंबर 1 में फाइंड करना होता है, ठीक है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब ये 10 करोड़ के प्रोजेक्ट को कौन ले सकता है, हु विल गोना बाय दिस प्रोजेक्ट। सबसे पहले दिमाग में हमारा आता है कि एक अगर कोई एम्प्लॉय है या फिर जॉब पर्सन है, तो वो एक हायर पोजिशन पे होना चाहिए, तब जा करके जो है वो प्रोजेक्ट इसको खरीद सकता है। या फिर कोई बिजनेसमैन, ऑब्वियसली बिजनेस ओनर, स्मॉल बिजनेस ओनर नहीं बोलेंगे, जिसमें स्मॉल बिजनेस ओनर में हम भाजी वाला और दुकानदार ऐसे लोग आते हैं, तो उनको एक्सक्लूड करके नॉट अ स्मॉल बिजनेस ओनर, आई वुड से एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस ओनर्स हु आर एक्चुअली बिजनेस ओनर, हु आर रनिंग वेरी बिग बिजनेस, जिनकी कोई फैक्ट्री वगैरह, ऐसे बड़े बड़े लोग ओवरऑल। ये बड़े बड़े लोग आपको फेसबुक के ऊपर मिलेंगे क्या, नंबर 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो जो मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगा फेसबुक ऐड चलानी चाहिए नहीं चलानी चाहिए ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए, तो आई वुड से कि अगर 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, या फिर 1 करोड़ का है, या फिर कितना भी महंगा प्रोजेक्ट रहने दो, जो इसकी जो ऑडियंस है 10 करोड़ को खरीदने वाली ऑडियंस, क्या रियल में आपको लगता है कि ये लोग फेसबुक के ऊपर अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे? हो सकता है, मान के चलो 100% में से 10% ऐसी ऑडियंस होगी जो फेसबुक के ऊपर आपको मिल जाएगी, राइट। तो जहां पर अभी ऑडियंस की बात आती है ना, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप फेसबुक के ऊपर डायरेक्टली ऐसे प्रोजेक्ट के लिए एड मत चलाओ। मैं आपको स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, ठीक है, फेसबुक के ऊपर कैसे एड चलाना ऐसे बड़े वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ऑडियंस फेसबुक के ऊपर हमको नहीं ढूंढना है, ठीक है, हमको ऐसी ऑडियंस चाहिए जो काफी रिच हो, बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर, वो सब चीजें। हाँ ठीक है, आप फेसबुक ऐड के थ्रू टारगेट कर सकते हो, ठीक है, बट यू नो व्हाट, कि फेसबुक के अंदर जब आप ऐसे प्रोजेक्ट के लिए ऐड चलाते हो, तो फेसबुक के अंदर जो मे भी उनका बिजनेस है, तो वो पर मंथ 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमाने वाले लोग होते हैं, एंड दे कॉल देम सेल्फ एज एंटरप्रेन्योर,
ठीक है, तो फेसबुक उन लोगों को ऐड दिखाएगा, तो दे विल नॉट गोना कन्वर्ट फॉर सच अ बिग वैल्यू और अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट्स। ओके, सो डोंट इवन थिंक कि आप फेसबुक ऐड डायरेक्टली ऐसे प्रोजेक्ट के लिए चलाओ। तो स्ट्रैटेजी यही है कि आपको अगर ये प्रोजेक्ट के लिए ऐड चलानी है तो आप गूगल एड्स चलाओ, ठीक है, आप जो है आप लिंक्डइन एड्स चलाओ, आप ट्विटर एड्स चलाओ। लिंक्डइन एड आई वुड से कि काफ़ी लाइक बेनिफिशियल रहेगा ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए। लिंक्डइन एड के ऊपर मैंने दो वीडियो बनाए हैं जहाँ पर मैंने अपना फर्स्ट एंड सेकंड एक्सपीरियंस शेयर करा है लिंक्डइन एड के साथ, और मेरे लिए वो प्रोजेक्ट का टिकट साइज मैंने उसमें मेंशन करा है 50 लाख ही था, कोई 10 करोड़ 20 करोड़ था नहीं, जिससे वो लिंक्डइन एड्स हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, लाइक उतना पैसा इन्वेस्ट करने इज नॉट वर्थ, तो वी स्टॉप दैट लिंक्डइन एड्स। बट यस, अगर आपका प्रोजेक्ट 10 करोड़ है तो आपको लिंक्डइन के ऊपर ऐसे लोगों को टारगेट करने का ऑप्शन मिलता है जो लाइक एमएनसीज, बड़े बड़े एमएनसी, बड़े बड़े लाइक कंपनीज में काम करते हैं, पर हायर पोजीशन के ऊपर एज अ जॉब, लाइक एज अ पोजीशन लेवल पे आप टारगेट कर सकते हो, डायरेक्ट कंपनी को टारगेट कर सकते हो, राइट। आप जो है यहाँ पर अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डेटाबेस है वो अपलोड करके आप टारगेट कर सकते हो, तो लिंक्डइन एड्स इज समथिंग गुड फॉर अ 10 करोड़ और 5 करोड़ 1 करोड़ टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, बिग जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए लिंक्डइन एड्स मेरे को ऐसा लगता है काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, उसका एडवांटेज आपको लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब के सब जो लोग होते हैं लिंक्डइन के ऊपर दे आर अ रियली रियली प्रोफेशनल पीपल और दे स्पेंड टाइम ऑन ट्विटर्स एंड लिंक्डइन, सो आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक आपको समझ में आ गया कि एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म कौन से चलाने, एक गूगल और एक लिंक्डइन और एक ट्विटर में बोलूंगा, ठीक है, और आप इनके एड्स चला करके जो है वहाँ से लीड जनरेट कर सकते हो, एंड ठीक है कॉस्ट फॉर लीड वहाँ पर आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू फेसबुक। फेसबुक के ऊपर आपको लीड जनरेट करने में लाइक 500 200 300 ऐसे प्रोजेक्ट के लिए आ सकती है कॉस्ट, 1000 भी आ सकती है, वहीं पर आपको लिंक्डइन के ऊपर 1000 2000 3000 कॉस्ट फॉर लीड आ सकती है, बट उतना प्रॉफिट भी है तो ऑब्वियसली आपको लाइक करना चाहिए, ट्राई जरूर करना चाहिए, ठीक है। लिंक्डइन एड्स, लिंक्डइन एड से आपको मैं बोलूँगा लिंक्डइन या फिर ट्विटर, इधर से फेसबुक छोड़ के, ठीक है, वहाँ से आप एटलीस्ट मिनिमम किधर से तो भी आप लाइक 1K का जो है मिनिमम डेटा जनरेट कर लो, ठीक है। अब ये 1K का डेटा जैसे आपने लिंक्डइन कहाँ से भी जनरेट करा, तो आई होप कि आप 1K का जो डेटा है उसके लिए इन्वेस्टमेंट आप लाइक 5 लाख 10 लाख 15 20 लाख आपको लगाना पड़ेगा। मैं एवरेज बोल रहा हूँ, एकदम ऊपर ऊपर से बोल रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सब कुछ रफ कैलकुलेशन के साथ में बता रहा हूँ, एवरेज बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे लाइक ऐसा बिल्कुल मत समझना कि 1 लाख लीड जनरेट करना है लिंक्डइन के ऊपर तो मेरे को 5 10 लाख लगाने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसा मत समझना, होपफुली यू गॉट इट। सो आपको किधर से भी कितना भी टाइम लग सकता है उसको, 3 4 महीने, ठीक है, आपने 1K का डेटा जनरेट कर लिया अच्छे से, आपने लिंक्डइन वगैरह ऐड चलाई, इंक्वायरी आई आपको, एंड लाइक यू ट्राई टू क्लोज डील, क्लोज होके बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हुई तो कोई इशू नहीं। अभी जो यहाँ पर कॉस्ट पर लीड आप लिंक्डइन के ऊपर सपोज पे कर रहे हो 1K रुपीज, ठीक है, 1000 एक लीड का आप पे कर रहे हो लिंक्डइन के ऊपर, अपने के पास ऐसा आपके पास 1000 लीड्स आ गए, तो आपने कितना पे करा, लाइक 10 लीड के लिए 10,000, 100 लीड के लिए 1 लाख, 10 लाख एवरेज आपने पे करा, राइट, जीएसटी वीएसटी अलग रहेगा तो वो अलग, ठीक है। तो आपके पास जो डेटा की वैल्यू है वो 10 लाख का है, अभी इसकी कॉस्ट हमको कम करनी है, ये 10 लाख अगर आप फेसबुक के ऊपर स्पेंड करोगे तो आपको 1000 लीड मिलेंगी, 5 10 20 हज़ार लीड्स मिलेगी। तो अभी करना क्या है, जो 1K का डेटा है ना, ये आपको फेसबुक के ऊपर इसकी कस्टम ऑडियंस बनानी है, ठीक है, और इसकी लुक लाइक ऑडियंस बनानी है, ठीक है, एलएल लुक अलाइक ऑडियंस। फेसबुक को ये डेटा देना है, वो लिस्ट अपलोड कर देनी है, एंड फेसबुक अपना, फेसबुक क्या करेगा, अपने एल्गोरिथम का यूज करके फेसबुक आपकी जो लिस्ट है उसमें से देखेगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो फेसबुक के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है, और वो देखेगा लाइक 1000 में से 500 लोग फेसबुक, 800 लोग फेसबुक के ऊपर है और इतने लोग नहीं है। बेस्ड ऑन दोज ऑडियंस फेसबुक क्या करेगा, उसकी लुक अलाइक ऑडियंस बना लेगा, क्योंकि फेसबुक लाइक वो देखो मैं आपको बता देता हूँ छोटा सा एल्गोरिथम लॉजिक कैसा होता है। ये 1000 लोग है, ठीक है, अब ये 1000 लोगों के अंदर कुछ कॉमन पॉइंट फेसबुक फाइंड करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कॉमन चीज़ें, जैसा वो कॉमन शोज कौन से देखते हैं या फिर कॉमन कौन से पेजेस जो फॉलो करते हैं, ये 1000 डेटा का, ठीक है,
ऐसे कौन सी कॉमन एक्टिविटी वो सर्च करते हैं आउटसाइड द फेसबुक, इनसाइड द फेसबुक, ऐसे कौन से वो ग्रुप्स में है, ठीक है, वो कॉमन चीज फाइंड करेगा एंड बेस्ड ऑन दोज कॉमन पॉइंट्स, उसको 5-10 कॉमन पॉइंट, 20-25-30 कॉमन पॉइंट्स उसको मिल गए, बेस्ड ऑन दोज कॉमन पॉइंट्स वो अपने एल्गोरिथम को बोलेगा कि मेरे को इसके लुक लाइक ऑडियंस चाहिए, बेसिकली इसके जैसे कॉमन पॉइंट जिन जिन लोगों में है फेसबुक के ऊपर अदर लोगों में, वो लोगों का एक ऑडियंस आपको ला करके देगा, जो कि ऑडियंस साइज 10 से 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ तक हो सकता है, ठीक है। एंड देन यू रन द एड ऑफ 10 करोड़ प्रोजेक्ट टू दिस अ लुक अ लाइक ऑडियंस एंड यू विल सी कि आपकी जो कॉस्ट पर लीड है वो 1,000 से गिर करके 200, 300 या फिर 100 रुपए आना लग जाएगी। और यहाँ पर जैसे 10 लाख स्पेंड करा, यहाँ पर भी अगर फेसबुक के ऊपर 10 लाख स्पेंड करा, 20 लाख का टोटल स्पेंड हुआ, यहाँ पर 1,000 डेटा, और यहाँ पर आपको डेटा मिलेगा 3 से 4 हज़ार, 5-10 हज़ार डेटा। तो आप अगर आपके पास 5-10 हज़ार का लीड डेटा है, ऑब्वियसली यार आप 10 करोड़ के से 3, 4, 5, 6 जो है वो डिस्क्लोज कर सकते हो, राइट। तो ये पूरी फेसबुक एड स्ट्रेटजी फॉर रनिंग एंड 10 करोड़ या फिर हाई वैल्यू हाई टिकट साइज प्रोजेक्ट ऑन फेसबुक एड, यूजिंग फेसबुक एड। सो डायरेक्टली आई वोंट रिकमेंड यू यूज अदर प्लेटफॉर्म्स, गूगल एड्स, ठीक है, गूगल एड्स इज रियली गुड, यू कैन ट्राई लैंडिंग पेज बनाना। तो थोड़ा सा लाइक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए बड़ा अच्छा खासा जो है एड बजट आपके पास होना चाहिए, तब जाकर के आप अच्छे से एड चला सकते हो फेसबुक के थ्रू, ठीक है। ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी, लुक लाइक ऑडियंस की क्वालिटी नहीं तो आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, आपको टेस्टिंग करना पड़ेगी, टेस्टिंग फेज बनाना पड़ेगा। और मैं आपको हाईली हाईली रिकमेंड करूंगा कि मेरे चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है, रियल एस्टेट मार्केटिंग प्लेलिस्ट, आप उसको विजिट करो, काफी सारे रियल एस्टेट के ऊपर वीडियोस है वो देखो, आपको काफी कुछ वापस सीखने को मिलेगा। आपको अगर इस वीडियो में कुछ डाउट है, कुछ सवाल है, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, और आई विल हाईली रिकमेंड यू कि मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और वहां से आप मेरे को लाइक अपनी कुछ भी पर्सनल क्वेश्चन आप मेरे को वहां पर पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू भी मैं एक्टिव हूँ, या फिर वेबसाइट के थ्रू भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। एंड एट द एंड में यही बोलूंगा कि आप एट द एंड में अपने आप को, अगर मैं बोलूँ कि आप मेरे साथ काम कर अगर करना चाहते हो, तो मैं एज अ वाइट लेवल सर्विस फ्रीलांसर भी काम करता हूँ, मतलब आप एक एजेंसी हो, आप फ्रीलांसर हो, आपके पास क्लाइंट्स हैं काफ़ी सारे, या फिर आपके टाइम नहीं है और आप रिजल्ट जनरेट नहीं कर पा रहे हो क्लाइंट के लिए, आप चाहते हो ऐसा बंदा जो आपके क्लाइंट्स के लिए रिजल्ट जनरेट करे, तो आप मेरे साथ काम कर सकते हो। या फिर आप एक डायरेक्ट पर्सन हो, मार्केटिंग हेड हो कोई भी कंपनी के, या फिर आप यू आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन डू मार्केटिंग फॉर योर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, हाई टिकट प्रोजेक्ट्स, तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना, कमेंट करना। आई विल सी यू अनदर वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।